हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से लाइव वीडियो में, जहां मैं अमित आहूजा, करियर काउंसलर एक्सपर्ट, जुड़ा हूं आपसे। पहले तो आपको बोलना चाहूंगा, ये चैनल जो हमने आपकी हेल्प के लिए बनाया है, जहां हम लगातार आपके बीच लाइव भी आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो वैसे आज मैंने छोटी सी एक टेस्टिंग करी है इस चैनल पर लाइव आने की, जो आपने नीचे वाले वीडियो में देखा भी होगा। प्रयास है कि आपके बीच लाइव भी आए, आपकी क्वेरीज को प्रॉपर तरीके से सुने और उनका एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएं। लेकिन थोड़ी लिमिटेशंस हैं यूट्यूब की, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही हैं इस चैनल पे, जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ रिजॉल्व करने की। लेकिन हमारी ये कोशिश जल्दी कामयाब होने वाली है और आपके बीच लाइव भी जुड़ने वाले हैं, आपकी क्वेरीज को लाइव भी सुनेंगे और आपका परफेक्ट आंसर आपकी क्वेरीज का वहाँ देने की कोशिश भी करेंगे। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है आपकी हेल्प के लिए, जोसा काउंसलिंग के प्रोसेस को सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाने की। मेरे पास बल्क में बच्चों की क्वेरीज, जोसा काउंसलिंग जो 97 कॉलेजेस की 38,000 सीट्स के लिए होने जा रही है, जिसका अभी शेड्यूल तो नहीं आया है, लेकिन आईआईटी का रिजल्ट यानी एडवांस का रिजल्ट 14 जून के होने के बाद जैसे ही डिक्लेयर होगा, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा। अगर आप देखें, जोसा काउंसलिंग की वेबसाइट भी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। जोसा काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो वेबसाइट है josa.nic.in। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, जिसपे बच्चे कुछ कंफ्यूज भी हैं, और जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियोज को पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज बताई जा रही हैं, लेकिन वो प्रॉपर हैंडलिंग बेसिस पे मुझे लगी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार आपको सिस्टमेटिकली काउंसलिंग का प्रोसेस इस वीडियो में पूरा शेयर कर दूं, ताकि आप उस काउंसलिंग के प्रोसेस को समझ लें अच्छे तरीके से, जिसके लिए आपको अभी 14 जून के बाद जोसा की काउंसलिंग पे आगे जाके रजिस्ट्रेशन भी करना है और अपना सारा प्रोसेस भी करना है। जोसा काउंसलिंग पे कई सारे बिजनेस रूल्स होते हैं, बिजनेस रूल्स को भी आपको प्रॉपर तरीके से एक बार स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। उन बिजनेस रूल्स में लिखा रहता है कैसे काउंसलिंग में बच्चों को कॉलेज का अलॉटमेंट करते हैं, रिपोर्टिंग कहाँ आपको करनी है, किन किन रिपोर्टिंग सेंटर पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, रिपोर्टिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिकली अलॉटमेंट का प्रोसेस से लेकर के रिपोर्टिंग के प्रोसेस को लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक की सारी इन्फॉर्मेशन जोसा काउंसलिंग की जो गाइडेंस बुकलेट, जिसको हम बिजनेस रूल्स भी कहते हैं, उसमें आपको मिलने वाली है। वैसे जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल के कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ ये बच्चे कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मेरे पास बल्क में भी ऐसी क्वेरीज आ रही है कि साहब, हमने जेई मेन या एडवांस के फॉर्म को भरते समय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भर दिया है, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, ओबीसी कैटेगरी भर दी है, तो हमें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जोसा काउंसलिंग का बिजनेस रूल जो मेंशन है, वहां ये क्लियर कट लिखा हुआ है, आपकी कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन आपको ओपन कैटेगरी में तो कैलकुलेट किया ही जाएगा। सपोज किसी स्टूडेंट की, अभी तो जेई मेन की बात करता हूं, एडवांस का रिजल्ट नहीं आया है, सपोज किसी स्टूडेंट की जेई मेन के अंदर रैंक आई है 30,000 और उसकी कैटेगरी में रैंक आई है 10,000 के आसपास, एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। जो कॉलेजेस की चॉइसेस बच्चा भरेगा, यहाँ ये भी ध्यान रखिए, मेरे से बच्चे बल्क में भी ये पूछ रहे हैं कि सर कितने चॉइसेस भरनी है, लगभग 97 कॉलेजेस की 348 से ऊपर चॉइसेस हर कोई बच्चा भर सकता है। चॉइसेस भरने का कोई लिमिटेशन किसी स्टूडेंट के पास में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा जिसकी रैंक 30,000 आ रही है, जिसकी रैंक 10,000 आ रही है, वो स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भरेगा। उसकी प्रायोरिटी जो कॉलेज के सीक्वेंस के हिसाब से होगी, जो उसको लेनी है जोसा काउंसलिंग के बेसिस पर, जो कॉलेज की प्रायोरिटी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भरेगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिमिटेशन नहीं है। मैं जोसा काउंसलिंग में कॉलेजेस के ऑर्डर को कैसे भरना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कहां बच्चे गलती कर जाते हैं, उस पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जिसमें मैं लगातार कई सारे वीडियो और आपको इस पेज पे, इस चैनल पे शेयर करने वाला हूं, जो जल्दी आपको मिलने वाले हैं, उसको भी आप समझिएगा। सबसे पहले आपको अपने काउंसलिंग के सीक्वेंस को भरना होता है। मैं वहां उस बात पे भी आ रहा था आपसे, अलॉटमेंट जो होता है, पहले देखा जाएगा आपने जो सीक्वेंस भरी है, उस सीक्वेंस में जिस रैंक पे जो सॉफ्टवेयर देखेगा, वो देखेगा आपने जो कॉलेजेस के सीक्वेंस भरी है, उस सीक्वेंस को भरते समय आपकी सबसे पहले देखी जाएगी क्या आपको अपने भरे हुए कॉलेज में ओपन कैटेगरी यानी ऑल इंडिया कैटेगरी से अलॉटमेंट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो देखेंगे कि वो कॉलेज की जो ब्रांच आपने सीक्वेंस में भरी है, क्या वो ब्रांच आपको आपकी कैटेगरी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर ओपन के जगह ओबीसी कैटेगरी हो, क्या उस कैटेगरी से आपको वो ब्रांच मिल रही है। यानी आपको दो कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, एक पहली कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी जो सबके लिए ओपन होगी, दूसरी कैटेगरी होगी जो आपकी कैटेगरी है उसमें आपको देखा जाएगा क्या आपको मिल रही है। सपोज अगर मैं गर्ल्स के एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर एसटी गर्ल्स की है, तो उसकी देखी जाएगी सबसे पहले ओपन कैटेगरी में उसको वो ब्रांच मिल रही है जो उसने कॉलेज के सीक्वेंस भरे हैं,
फिर देखा जाएगा क्या फीमेल पूल कोटा से उसको वो ब्रांच मिल रही है, फिर देखा जाएगा क्या एसटी ऑल इंडिया कोटे से वो उसको ब्रांच मिल रही है, फिर देखा जाएगा क्या फीमेल पूल एसटी में उसको वो ब्रांच मिल रही है यानी ओपन कैटेगरी, फिर उसके बाद देखा जाता है कैटेगरी। ये सिक्वेंस जोसा काउंसलिंग में अलॉटमेंट के टाइम पे फॉलो होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था जिसको लेकर के बल्क में बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, कंफ्यूजन था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हमने भर दिया है तो क्या हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में काउंट करेंगे? जी नहीं, आप पहले ओपन कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आपको ओपन कैटेगरी से वो ब्रांच सिस्टमेटिकली जो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर में भरी है वो नहीं मिल रही होगी तो देखा जाएगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वो ब्रांच आपको आपके रैंक के हिसाब से मिल रही है या नहीं, यानी आपको फायदा है जो भी आपकी कैटेगरी है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, आप ऑल इंडिया कोटे में तो अलॉटमेंट के टाइम में काउंट हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको कैटेगरी में कोटे में भी देखा जाएगा जो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर भरा है। बात करते हैं जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले स्टूडेंट को जोसा काउंसलिंग पे एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में जब वो लॉगिन कर लेता है उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के साथ में स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप अपने कॉलेजेस के चॉइसेस को अपने प्रायोरिटी यानी अपने इंटरेस्ट और अपने प्रायोरिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिकली भरिए। जब स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रायोरिटी ऑर्डर को भरता है, मैं यहां पर एक छोटी सी बात तो आपको इस वीडियो में समझा ही देता हूं। बच्चा सबसे पहले लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को देख सकता है, उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकता है, अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को सिस्टमेटिकली पेपर पे बना सकता है, 4 से 5 बार उसको चेक करने के बाद ही उसको वो प्रायोरिटी ऑर्डर को भरना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर भरने के तरीके तो मैं आपको बहुत सारे वीडियो में आगे समझाने भी वाला हूं। जब प्रायोरिटी ऑर्डर आप भर लेते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, लॉक करने के बाद में सबसे पहले आपको टाइम मिलता है। अभी 14th of June के बाद में एक टेंटेटिव शेड्यूल जोसा की वेबसाइट पे आने वाला है, जिसमें 97 कॉलेजेस, जिसमें IIT भी हैं, NIT भी हैं, IIIT भी हैं, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट भी हैं, इनकी 38,000 सीट्स के लिए कैसे आगे प्रोसेस होने वाला है उसका एक काउंसलिंग शेड्यूल अभी आने वाला है। लगभग मैं समझता हूँ 10-12 जून के आसपास भी जोसा काउंसलिंग की पूरी वेबसाइट भी आने वाली है, उसमें शेड्यूल आएगा पूरा। पहले आपको दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद आपको कितने दिन, यानी मैं कहता हूँ 10 से 11 दिन आपको कॉलेज के सिक्वेंस को भरने के लिए मिलते हैं। उसके बाद में जब आप सिक्वेंस भर के लॉक कर देते हैं तब आपको फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होता है। पहले राउंड का अलॉटमेंट जो आपको होता है उसके लिए आपको 4 से 5 दिन का रिपोर्टिंग करने का टाइम मिलता है। कई बार मैंने यह भी देखा है, आजकल गवर्नमेंट बच्चों के फायदे के लिए काफी सारे काम कर रही है, कई बार मॉक सीट एलोकेशन भी आजकल प्रोसेस चल चुका है। होता क्या है मॉक सीट एलोकेशन, जरा छोटी सी बात यहां भी कर लें। आप जब कॉलेज के सिक्वेंस को भरते हो, सपोज 5 से 6 दिन का टाइम गवर्नमेंट इनिशियल देती है कि जो बच्चों ने 6 दिन के अंदर अपनी कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर को भर दिया है वो देख सकते हैं कि उनको टेंटेटिवली जितने बच्चों ने उस समय तक कॉलेज के प्रेफरेंस ऑर्डर को भरा है क्या मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, और उसके हिसाब से अगर उन्होंने कोई कॉलेज की ब्रांच को गलत भर दिया है या सिक्वेंस में सही नहीं भरा है वो उसको अपडेट कर लें। ये गवर्नमेंट मौका देती है मॉक सीट एलोकेशन दिखा करके आपको क्या मिलने की प्रॉबिलिटीज है। तो 1 या 2 राउंड होने वाले हैं मॉक सीट एलोकेशन के, उसके बाद में होने वाला है आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के टाइम पे इंडिया में काफी सारे गवर्नमेंट ने नोडल सेंटर यानी रिपोर्टिंग सेंटर बनाए हुए होते हैं। आईआईटी के लिए रिपोर्टिंग सेंटर, इंडिया के 23 आईआईटी के रिपोर्टिंग सेंटर यानी 23 आईआईटीज होते हैं। आईआईटी अगर अलॉटमेंट होता है किसी स्टूडेंट को, एनआईटी, IIIT या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट होते हैं तो सारे NIT, उसके अलावा कई सारे GFTI और कुछ IIITs में भी उसकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर भी आने वाली है, वो नोडल सेंटर पर उसको रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को पहले राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट होता है तो उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। क्या होती है सीट एक्सेप्टेंस फीस, जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब होता है आपको जो कॉलेज मिला है या जो ब्रांच आपको गवर्नमेंट ने अलॉट करी है पहले राउंड की काउंसलिंग में, अगर आपको वो सीट लेनी है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, वापस रिपीट इस बात को मैं 2 से 3 बार भले करना चाहूंगा, अगर आपको पहले राउंड के अलॉटमेंट में कोई सीट मिली है आपको वो सीट रोकने के लिए, सीट एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराना बहुत जरूरी है। यहाँ कई बच्चे गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं सर हमें पहले राउंड की काउंसलिंग में कुछ लेना नहीं है, हमें तो आगे की राउंड की काउंसलिंग में जाना है। अगर किसी स्टूडेंट को आगे की राउंड की काउंसलिंग में भी जाना है लगातार तो भी उसको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराना बहुत जरूरी है। अगर वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा नहीं कराता है तो काउंसलिंग के सारे राउंड से बाहर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। यहां मैंने कई बार पिछले कई सालों में देखा है बच्चे गलती कर जाते हैं,
सोचते हैं कि हमें आगे के राउंड में जाना है, हम इस सीट को एक्सेप्ट क्यों करें? जी नहीं, अगर आपने कॉलेज के प्रायोरिटी ऑर्डर को, प्रेफरेंस ऑर्डर को भरा है, आपको जो भी अलॉटमेंट पहले राउंड में हुआ है उस अलॉटमेंट को कैरी ऑन करने के साथ साथ आगे के राउंड में काउंसलिंग में जाने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कराना बहुत जरूरी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस जब आप जमा कराते हैं, आपको बताया जाता है कि ये कॉलेजेस में आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग की लिस्ट वेबसाइट पे आ जाती है। आप दिए गए टाइम में सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, सारे डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट अभी जोसा काउंसलिंग में आने वाली है। जोसा काउंसलिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको अलॉटमेंट लेटर, कई सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं जो ले जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है रिपोर्टिंग सेंटर पर। वहां आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर मौका मिलता है कि आपको काउंसलिंग के आगे के राउंड में जाना कैसे है, क्या आपको काउंसलिंग में अपनी सीट को लॉक करना है, या फिर आपने सपोज अभी आपको 1 से 10 नंबर आपने चॉइस भरा है, 9 नंबर की चॉइस आपको मिली है, क्या 9 से आपको अपग्रेड कराना है? तो वहां भी दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला ऑप्शन होता है फ्लॉट का, दूसरा ऑप्शन होता है स्लाइड का। फ्लॉट का मतलब होता है हमने 9th नंबर की चॉइस सपोज हमें एग्जाम्पली अभी अलॉट हुई है, तो 1 to 8 हमने जो ऊपर भरी है, हम कोई भी कॉलेज के कोई भी ब्रांच में जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन होता है फ्लॉट का। ये होता है कि 9th नंबर पे सपोज आपको IIT बॉम्बे में मेटलर्जी मिली है, लेकिन आप इस IIT बॉम्बे में ही अपग्रेड कराना चाहते हैं, दूसरा IIT में नहीं जाना चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए, तो आपको स्लाइड के ऑप्शन को चूज करना होगा। फ्लॉट, फ्रीज और स्लाइड आपको वहां पर ऑप्शन मिलता है। स्लाइड, फ्लॉट, फ्रीज के ऑप्शन को चूज करने के साथ आप रिपोर्टिंग सेंटर पे ही रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको टिक करके देता है कि क्या आपने ऑप्शन आगे का चूज किया है। अगर रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलती है कि आपने जो ऑप्शन चूज किया है इसी के बेसिस पर अब आप आगे की राउंड की काउंसलिंग में जाने वाले हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी चॉइस से सेटिस्फेक्शन मार्क दे दिया है, फ्रीज करता है, अदरवाइज फ्लॉट और स्लाइड के ऑप्शन से वो आगे की राउंड की काउंसलिंग में मूव करता है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट फिर आना है, जिसके कुछ दिन ही होते हैं, 2-2, 3-3 दिन के गैप में सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड का अलॉटमेंट, 6-7 राउंड तक का अलॉटमेंट होता है। लास्ट ईयर तो 7 राउंड तक जोसा काउंसलिंग चली थी, इस बार देखना है कि जोसा काउंसलिंग कितने राउंड तक चलती है, उसके बाद में वैकेंसी के हिसाब से CSAB के कितने राउंड में काउंसलिंग आगे होती है। बहुत सारे अभी चीजें आना बाकी है, जैसे ही आएगी आपको जरूर इस चैनल पे हम लगातार वीडियो बेसिस पे बना करके शेयर करेंगे। किसी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में अगर किसी दूसरे कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, IIT से IIT का अगर अलॉटमेंट होता है सेकेंड राउंड में, उसको दोबारा रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं जाना है। वाइस वर्सा अगर किसी स्टूडेंट को NIT से NIT का अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में होता है, या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में लगातार NIT से NIT मिलते हैं, तो एक बार जाके रिपोर्ट करना है। लेकिन किसी स्टूडेंट को पहले राउंड में अगर IIT का अलॉटमेंट हुआ, सेकेंड राउंड में अगर NIT का अलॉटमेंट हुआ, वाइस वर्सा पहले राउंड में अगर NIT का अलॉटमेंट हुआ, सेकेंड राउंड में अगर IIT का अलॉटमेंट हुआ, तो उसको ड्यूल रिपोर्टिंग बोलते हैं, यानी जो अलॉटेड कॉलेज हुआ है अगर IIT से NIT हुआ है तो NIT में जाकर के रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि काउंसलिंग दोनों की एक साथ है। IIT NIT IIIT आप सीक्वेंस में दोनों कॉलेजों को मिक्स करते हुए भरते हैं। अगर आपको NIT पहले राउंड में अलॉटमेंट हुआ, सेकंड राउंड में IIT का अलॉटमेंट हुआ, तो आपको IIT जाकर रिपोर्ट करना होगा, जिसको ड्यूल रिपोर्टिंग बोलते हैं। यानी अगर इंटरचेंज होता है कॉलेज IIT से NIT, या फिर IIT से IIIT GFTI, या फिर NIT से IIT, या फिर IIIT से IIT, या GFTI से IIIT, जिसको बोलते हैं NIT सिस्टम, NIT सिस्टम के अंदर से बोलते हैं कि NIT, IIIT और GFTI होते हैं। IIT सिस्टम जिसको बोलते हैं केवल IIT, यानी IIT सिस्टम से अगर NIT सिस्टम में किसी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, NIT सिस्टम से IIT सिस्टम में किसी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, तो उसको अलॉटेड कॉलेज के रेस्पेक्टिवली ही रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर दोबारा रिपोर्ट करना होगा। अगर नहीं होता है IIT से IIT मिलते चले जाता है, तो एक बार रिपोर्ट करना है, और लास्ट राउंड में जाकर के जो कॉलेज को मिलता है फाइनली, उस कॉलेज को जाने की जो ज्वाइनिंग डेट होती है वहां जाकर उसको ज्वाइन करना है। देखिए IIT की काउंसलिंग जोसा के थ्रू होती है, उसका कोई स्पेशल राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, बताना जरूर चाहूंगा। NIT की स्पेशल राउंड काउंसलिंग CSAB कंडक्ट करता है, लेकिन वो भी हर साल किस तरीके से होती है, स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग होती है, उसका काफी बड़ा प्रोसेस होता है, जो भी आगे बिजनेस रूल में जैसे भी आने वाला है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस आपको बताना चाह रहा था। अलॉटमेंट के बाद में आगे के राउंड में जो आपको फाइनल कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, वहां जाकर के आपको कॉलेज को फाइनली बाद में ज्वाइन करना है। किसी बच्चे को सेकंड राउंड में पहली बार अलॉटमेंट हुआ तो उसको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना है, थर्ड राउंड में पहली बार अलॉटमेंट हुआ ऐसे, फोर्थ, फिफ्थ राउंड में पहली बार अलॉटमेंट के टाइम पे आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आगे के राउंड में जो आपकी काउंसलिंग लगातार चलती है, बार बार आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाना नहीं है, वो आगे के राउंड में काउंसलिंग का जो ऑप्शन आपको अवेलेबिलिटी के हिसाब से सीटों पर मिलता चला जाता है, वेबसाइट पर केवल देखना होता है। देखने के साथ में आपको देखना है कि आपको आगे के राउंड में क्या मिलता चला जा रहा है। अगर आप मिले हुए कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं और फ्रीज करना चाहते हैं, तो आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है। जब भी आपको काउंसलिंग में सेटिस्फेक्शन आ जाए, आप चाह रहे हैं कि आगे के राउंड की काउंसलिंग मुझे नहीं जाना, आप फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे के राउंड की काउंसलिंग में आपको जाना है, जो आपको मिल रहा है, तो आपको बार बार जाने की रिपोर्टिंग सेंटर पे रिक्वायरमेंट नहीं है।
सपोज किसी स्टूडेंट ने पहले राउंड के काउंसलिंग के बाद सेकंड राउंड में स्लाइड का ऑप्शन चूज किया, लेकिन वो चाहता है कि मैं स्लाइड के ऑप्शन को फ्लॉट करना चाहता हूं, वाइस वर्सा फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया लेकिन फ्लॉट के ऑप्शन को आगे के राउंड के काउंसलिंग में स्लाइड करना चाहता है, तो वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन कई तरह के आएंगे, वो मैं आगे के राउंड आगे काउंसलिंग में भी जब आप सेशन लेने वाला हूं या आपको लाइव भी आऊंगा, बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा तब भी समझाऊंगा। तो अगर स्लाइड से फ्लॉट करना है, फ्लॉट से स्लाइड करना है आगे के राउंड में जाने के लिए, तो उसको रिपोर्टिंग सेंटर में जाने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर अलॉटमेंट हो चुका है, आप इसी जो प्रोसेस में सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक आप उसी प्रोसेस में जाना चाहते हैं, चाहे फ्रीज हो, स्लाइड हो या फ्लॉट हो, तो आपको बार बार रिपोर्टिंग सेंटर में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं बनाने वाला हूं, आप इस चैनल पे लगातार हमसे अपडेट रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे अभी काउंसलिंग सेशन के वीडियो आपको इस पेज पर मिलने वाले हैं जो आपको सपोर्ट करेगा। तो गाइज आप हमारे साथ जुड़े रहें काफी सारे करियर अपडेट्स के साथ, मिलता हूं बहुत जल्दी। अभी मैंने जोसा काउंसलिंग का एक छोटा सा प्रोसेस आपको समझाया है और भी बहुत सारे वीडियोज के साथ जल्दी अपडेट होने वाले हैं जो आपको इस पेज पे मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ सारे करियर अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब खैर, शुभ रात्रि, जय हनुमान। Thank you guys. All the very best to all of you. Thank you very much.